दरअसल प्रशासन के द्वारा सख्त आदेश देने के बावजूद भी हर्ष फायरिंग का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि कई जगह हादसे हो चुके हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद भी हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसी ही घटना थाना बलदेव के गांव पटलौनी का है, जहां देवी जागरण हो रहा था। उसी समय कुछ लोगों ने हर्ष फायरिंग की, जिसमें एक महिला के पैर में गोली लग गई और मौके पर ही गिर पड़ी। गोली इतनी रफ्तार से थी कि महिला के पैर में गोली लगने के बाद दूसरी महिला के पेट में जाकर गोली लगी। महिला को अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। गोली लगने वाली महिला के पति ने बताया कि कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी, इस कारण मेरी पत्नी को गोली लगी है। वहीं उसने गोली चलाने वाले के खिलाफ थाना बलदेव में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें पुलिस कार्यवाही कर रही है। जल्द ही इन लोगों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। बात तो कोई थी, बगल में घर के बगल में ज़्यादा हो रहा था, वहाँ गई थी, ज़्यादा गई थी और भी बेटी बैठी थी वहाँ, 50-100 लड़की बैठी थी। तो दो लड़के आए थे शराब पी करके, तो उन्होंने वहाँ फायरिंग की है और एक के हाथ में पता नहीं क्या हथियार था, मैं तो खोला था, मैं तो बाद में मालूम पड़ी जब मैं गया इधर, तो वो भाग गए थे वहाँ से। नहीं, फायर किससे किया ये नहीं पता लगा, ये नहीं पता लगा किसने किया है। तो हाँ, गोली कहाँ लगी? गोली उसके पैर में होके निकल गई, पार निकल गई है, और दूसरी औरत जो थी उसके बगल में बैठी थी उसके पेट में लगी है। उसका ऑपरेशन डीके हॉस्पिटल कोई वहाँ मौजूद है, वहाँ चल रहा है। अच्छा, कितने फायर हुए थे? अब मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं तो सो रहा था घर में, सो के बाद बाद जब मालूम पड़ी कि क्या हुआ, गोली चली गोली लगी तुम्हारी करवाई, तब मैं जाके गया हूँ, तब उसे ले गया। किसने गोली चलाई? ये गोली चलाई है एक लब्बू सौरभ गोविंदा है, मगुरा थाने का रहने वाला है और गाँव उसका नौदरा है वो है, और उसके साथ में एक जगन सौरभ राजपाल वहीं का है, पटलौनी का ही, गाँव का ही, दोनों लड़के थे। तो जागरण जो हो रहा था कहाँ पर हो रहा था और किसके यहाँ? जागरण हो रहा था रविवीर सौरभ रविलाल सिंह है, रविवीर है उनका बेटा, रविवीर के घर पर हो रहा था। तो अब इसमें कार्रवाई आपने तहरीर वगैरह दी है? मेरे एस ओ साहब को दे दी है बल्दे ने। क्या कह रहे हैं वो अभी तक? उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे, आप पहले इलाज कराइए, मैं इलाज करा रहा हूँ, लेके आए। तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके आए? नाम क्या है?